गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और पूरी रात मतलब नींद नहीं आई थी इस बार भी। नींद आए भाई, मेरे को तो सुबह नींद आ रही थी। शाम को घूमते घूमते इतना टाइम हो गया था कि हमारा कल का ही प्लान था कि वाटरफॉल देखने का, तो आज हम मॉर्निंग में जा रहे हैं। कल का हमारा ट्रैकिंग का भी था और हमने क्या कल का हमारा ट्रैकिंग का भी था वो तो कैंसिल हो गया। तो चेतना दीदी को ये जो चढ़ाई दिख रही है इसको चढ़ने में इनकी ऐसी दशा हुई। और क्या, और तूने ही बोला था सबसे पहले मेरी बस की नहीं, मेरे पैर टूट गए। मैंने अपनी कही थी। और क्या, तो क्या चल लो अभी, चल लो, चल चलो, चल बहन शक्ल दिखा। तो अभी वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, बाकी देखते आगे जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए चलो चलो चलो। कहाँ रह गए वो लोग, कहाँ रह गए वो लोग? तूने भाई लगा सब आलू परांठा, आलू अनियन? नहीं, मैं ओनली आलू परांठा खाऊंगा। बे लेकिन स्टफिंग थोड़ी सही कर देना। दो आलू पराठा, दो आलू प्याज पराठा और एक कर देना कॉफी, नॉर्मल कॉफी कर देना, चीनी कम रखना। तुमने किसी ने लेनी है कॉफी? नहीं नहीं कॉफी नहीं, चाय। क्या क्या ऑर्डर करा है? क्या प्लेन आलू पराठा? ये प्लेन है, आलू प्याज के चाय दे देना फिर। ये आलू प्याज के पराठे आ चुके हैं। बटर के साथ भी, बटर तो है ही नहीं आते। अब इनके लिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, बटर इतना उसके तो ठीक है। कैसे इनकी साउंड तो भी खाते हैं, उसके बाद भी दिखाते हैं आपको। दही और चाय दे दो ना। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम कर चुके हैं और अभी वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। तो ट्रैकिंग करेंगे मतलब चल के जाएंगे या फिर वैसे ऑटो वगैरह कुछ करना पड़ेगा? ट्रैक हमारे बस की है। शायद चल कर ही जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग नहीं सॉरी, वाटरफॉल देखने के लिए। अभी मैंने इतना खा लिया ना, सब ऊपर नीचे लग रहा है। मैंने भी बहुत ज्यादा खा लिया। पराठे अच्छे थे, आगे चाय भी अच्छी थी, खाने टेस्टी थे। बाकी दिखाते हैं वाटरफॉल वगैरह की, बाकी जो जो चीज दी जो भी करेंगे जहाँ जहाँ रुकेंगे वो सब आपको देंगे। क्या 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 बोला तूने? बीच में जहाँ जहाँ रुकेंगे वो सब। अच्छा आपने क्या सुना? नहीं नहीं ये रिकॉर्डिंग। क्या सुना आपने? हम लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं वॉक करते करते, बिकॉज पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 1.8 किलोमीटर। और अगर वॉक करेंगे तो मैक्स मैक्स 20 से 25 मिनट्स लगेंगे। तो बस जाके देखते हैं वहाँ पे भी हमें ऐसा कौन सा वाटरफॉल दिखने वाला। और अभी हमारे साथ जो थे वो तो अपनी ट्रैकिंग के लिए निकल गए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। वाटरफॉल जा रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हमें फिर बस की टिकट वगैरह नहीं, वो ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और हम वाटरफॉल देख के हम सीधा यहाँ पे वापस आ जाएंगे। हम मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए सी यू। होता क्या है, क्या ये मेरे टेस्ट है? अच्छा अभी आ रही आवाज़। अरे नाइस। हाँ हाँ ठीक है। तो भी पैदल पैदल जा रहे हैं हम वाटरफॉल देखने के लिए। एक बार साइड का व्यू भी दिखा देता हूँ। होटल में व्यू कितना अच्छा है देखना।
व्यू और गर्मी दोनों बहुत अच्छी। चलो गर्मी भी बहुत है, चलना पड़ रहा है। थोड़ी ठंड होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। केवल मौसम ठीक होता, न्यूट्रल न्यूट्रल ब्रो। क्या न्यूट्रल? ना ठंडी ना गर्मी। नहीं थोड़ी ठंड होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। हमें चलते चलते और अभी तक पहुंचे नहीं है, चले ही जा रहे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ का जो व्यू है ना, मैंने रिकॉर्ड करा आप लोगों के लिए, वो ज़रूर डालूंगा वीडियो पे। इतना प्यारा व्यू है, सब आपको दिखाएंगे। बाकी वाटरफॉल मेरे ख्याल से इतनी टाइम हो गया चलते चलते, और अप्रॉक्स उसने कितना बताया था, 1 किलोमीटर तो आने वाला होगा। हाँ मतलब 1.8 किलोमीटर तो आने वाला होगा मेरे ख्याल से। बाकी दिखाते हैं आपको, है ना। ये आप खुद दिख रहा होगा कितना बड़ा ट्रैक है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। हम सोच रहे थे कि वाटरफॉल जो है वो बहुत पास होगा, लेकिन हमें ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। जो चीज़ हमने कैंसिल करी थी हमें एक तरह से वही करनी पड़ रही है। क्या ठीक है? इरिटेट कर रहा है मेरे को। क्या इरिटेट कर रहा हूँ? चुप रहा है, चुप रहा है, चुप रहा है। तो ये ट्रैक ही करना पड़ रहा है, पैर पीछे मतलब ट्रैक देख के घबरा रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे। भाई बहुत दूर है। किसने बोला था ट्रैकिंग करनी पड़ रही है? ट्रैकिंग तो बहुत पास में ही है, पहुंचने वाले हैं बस। सबसे तो टॉप पे जाएंगे अभी। 1-2 किलोमीटर में दिखा सकते हो? 1 किलोमीटर से करें। है देखो ऊपर है, काफी दूर है, है अभी है। देखो आराम आराम से, आराम से। को मैं इसी में डुबाने वाला हूँ। सच में डूब गई ना ये फोन थोड़ी है, बोले तो आराम से। चलो आओ। क्यों क्या हुआ? ऑब्वियसली फोन को देख कर लेना था। क्या? फोन को देख लेना आप। मैं तो वाटरफॉल में नहा कर आ गया, स्टेशन से ड्रेस लेने जा रही हूँ क्योंकि सामान भी है। मैं वाटरफॉल का भागना काफ़ी किया था और आगे बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। मैं खुद 3-4 बार गिर गया, तो बाकी क्या क्या है क्या नहीं, मज़ा तो बहुत आया वैसे। क्या हाँ इधर हाँ ले लेंगे दो? हाँ दो ले लो। आओ तो यहाँ से तो हम निकल चुके हैं, अब हम अपने होटल रूम की साइड जा रहे हैं। कैसा लगा हमें बैग उठाने?
वहाँ से हमें बैग उठाने, उसके बाद अगर कुछ मन करेगा खाने का तो वहाँ जाएंगे। तो हम थोड़ा अभी मार्केट एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, अगर हमारे पास टाइम बचेगा अदरवाइज हम लोग सीधे निकल जाएंगे। हमारी तो बस का चलती, आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। ये भी ठीक है, उतरने में इतनी कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। अभी उतर चढ़ने चढ़ने में ऐसी कैसी हो गई थी। अबे उतरने में ये चढ़ाई क्यों आ रही आगे? क्यों जब लौट में नीचाई थी, नीचाई नहीं होगी तेरी हिंदी अच्छी है मेरी हिंदी। तो भी जब आए थे तो कितनी धूप थी, अभी जब हम आ रहे थे तो आप इतनी धूप थी, इतना परेशान होते लौटते वक्त। मौसम अच्छा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, एकदम सेक्सी है। चले जा रहे हैं लेकिन जो भी हो बहुत मजा आ रहा है। मतलब अब आ रहा है पता, अब क्या मेरे को कल भी आया था नहीं, लेकिन वो होता ना। आज थोड़ा ट्रैकिंग करी है ना तो बड़ी थोड़ी बहुत थकान हुई हो, लेकिन थोड़ी वाइब है क्या अभी की, मतलब कहीं तो कहीं तो आए, थोड़ी बहुत करी है ट्रैकिंग तो मतलब थोड़ा वो लगा भाई उसी में हमारे थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो मिली कि हाँ कुछ मेहनत करके चढ़ाई करी है। अपॉइंटिंग ही बोलने वाला था तो थोड़ा अपॉइंटिंग सा लगा। ये अमन की इंग्लिश है, अमन की डिक्शनरी में अपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग का उल्टा। तेरी डिक्शनरी पब्लिश हो भी नहीं सकती, पब्लिश हो भी नहीं सकती, पब्लिश हो भी नहीं सकती, लिमिटेड एडिशन है, बहुत करोड़ों में बिक गई थी वो। अच्छा और क्या, हाँ मैगी खाते हैं। ठीक है भैया, वेजिटेबल लेते हैं घर पे प्लेन नहीं खाते हैं। ये बोल घर पे वेजिटेबल खाते हैं, नहीं घर पे वेजिटेबल खा, वो घर पे प्लेन खाते हैं। वेजिटेबल 50 की होती है, वे कर दो ना 50 की, 50 की होती है वैसे मेनली। थैंक यू, कह रही है 50 की मैगी कर दो, एक दो टमाटर के पीस कम डाल देना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल, हम आपको बताएंगे कौन सा। ये सही करना यार, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ओह माय गॉड, बहुत सेक्सी है। ऐसे बैठ के खाएंगे भाई, भाई फोटो ले ले मेरी, मैं तेरे को बता रही हूँ। आज उधर देख, उधर देख, उधर देख, पहाड़ दिख भी नहीं रहे हैं बादल की वजह से, इतना फॉगी हो रखा है। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्यों देखूं? चल छोड़, चल छोड़। लो चित्र जी अपनी मैगी, ये अपना पराया कर दिया ना। मैगी इंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़े से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए लव यू ऑल। मैगी खा के तो हम निकल चुके हैं, मैगी खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, तो अभी हम वापस अपने होटल रूम में जा रहे हैं। होटल रूम नहीं है बेसिकली, हमने वहाँ पे अपने बैग रखवा रखे हैं। नहीं रूम था, बट हमने ना रूम था, हमने चेकआउट कर दिया था तो वहीं पे हमने अपने बैग रखवा रखे थे, जिससे कि मैं ज़्यादा दिक्कत ना हो ट्रैवल वगैरह करने में, ट्रैकिंग वगैरह करने में। मेरी आवाज़ की स्पीड से पता लग जाओ कितनी एनर्जी आ गई, तो बिना टाइम लैप्स के टाइम लैप्स लगेगा, तो बहुत मतलब मजा आ रहा है। वापस जा रहे हैं, अपने सामान वगैरह लेंगे, फोन में बैटरी भी बहुत ज्यादा कम है, देखो कितना फॉग है, फोन में बैटरी भी बहुत ज्यादा कम है, तो वहाँ से चार्जर वगैरह लेके अभी बीच में कहीं रुकेंगे तो वहाँ पे फोन अपना चार्ज कर लेंगे। बाकी दिखाते हैं आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ले लो बट लेट मी सी, अच्छा इसको दिखा दो एक बार। I really like your bag.
मतलब आई हैव सीन इट बट लाइक आई हैव बीन टू यू एस एंड ऑल, तो वहाँ पे भी जब भी सेल होती है ना हम लोग निकल जाते हैं वहाँ पे. ये आपके यहाँ बाहर है मछली? हाँ जी मेरा है. Not every time देख लीजिए आप कोई सा भी है ना बाहर सब लगा हुआ है आप ले लीजिए वहाँ से. चेतनादेवी ने मम्मी के लिए हैंड बैग लिया क्योंकि उनका मन था कि हम इतनी दूर आए तो मम्मी के लिए भी कुछ लेकर जाना चाहिए, तो बैग वैग ले लिया. और अभी फ़ोन में बैटरी बहुत कम है तो हम वापस अपने जहाँ पे हमने अपने बैग रखे उधर जा रहे हैं जिससे कि थोड़ा रेस्ट भी कर लें और साथ साथ में हमारी चार्जिंग भी हो जाए फोन की. अभी चेतनादेवी की फिर से शायद शक्ल बनने वाली होगी क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ रही है इस वजह से. क्या वो ट्रैवल करते करते भी ब्लॉगिंग शूट हो रही है, बस रेस्ट करने का तो टाइम मिलता ही नहीं, सीधा ब्लॉग एडिट करके डालना पड़ता है और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है ब्लॉग पोस्ट करने में क्योंकि नेटवर्क इशूज़ हैं, बैटरी इशू हो गई है. आधे घंटे रेस्ट करके फ़ोन चार्ज करते हैं, बाकी हाथ दुख रहा है मेरा तो अभी मैं ब्लॉगिंग बंद करता हूँ. मिलते हैं आपको मेरा फोन रो रहा है छोटे या बड़े से ब्रेक के बाद. कम ऑन ये जय माता दी ये देखना ये मेरी सारी बात मानती है उल्टा चलो चलो शाबाश ऐसे ही चलो उल्टा आओ सीधा मुड़ो हाँ ऐसे ही भागो. तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं. चेतना जी बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि विक्रम भी भाग के आई हैं, बाकी चलते मेरे को सूसू बहुत तेज आ रहा है. आप भी वॉशरूम जाना है मेरे को. पहुंच ही गए तो वहाँ से तो हम निकल गए जहाँ पे हम रुके थे, हमने चेकआउट कर दिया अपना बस्ता वगैरह ले ले के निकल गए अपने शहर अपनी दिल्ली अपनी दिल्ली. लेकिन चला नहीं जा रहा यार, लेकिन बड़ा मजा आया यहाँ पे, बड़ा मजा आया. अभी हमारी अभी टाइम कितना आ रहा है? अरे कर लेंगे अभी अभी मैं बैठा. तो अभी हम बस स्टैंड पर हैं, बस स्टैंड ये बस स्टैंड है जो मैकलोनगंज से धर्मशाला जाएगा, वहाँ से हमारी दूसरी बस है. तो बस हमारी आई नहीं है तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे बस स्टैंड के पास से एक ढाबा है तो हम यहाँ पे चाय पी लें. और ये वही जगह है, अगर आप लोगों ने ध्यान से लास्ट ब्लॉग देखा हो जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो भी हम यहाँ पे आए थे और हमारी जर्नी एंड कर रहे थे तो हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं. और अगर पुराना ब्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा ब्लॉग है. तो चलिए स्टे ट्यून. तो अपनी चाय तो आ चुकी है, चाय एंजॉय करते हैं. चलिए ढाबे का नाम चेतने दीश. चीयर्स. मैं चीयर्स कर सकती हूँ, मैं पी नहीं सकती बहुत ही रहा. चाय तो बहुत अच्छी है. अच्छी है? आज चीनी डाली नहीं है. नहीं पिछली बार डाली. तो भी चाय पीनी है उसके बाद फिर आपको टैग बस का ब्लॉग दिखा, मतलब बस का व्यू दिखा. तो भी चाय पीने उसके बाद आपको टैग बस से दिखा. तब तक के लिए तो बस में हम बैठ चुके हैं जो कि हमें धर्मशाला की ओर छोड़ेगी. धर्मशाला की होगी मतलब धर्मशाला पे ही उतारेगी, उसके बाद का हम दिखाएंगे शायद से. अभी एक घंटा बचेगा हमारे पास हमारी धर्मशाला टू दिल्ली वाली बस के लिए, तो टाइम गया. हम क्या पता थोड़ा बहुत घूमें या क्या पता तुम लोग कुछ भी करें तो वो भी आपको दिखाई देंगे. बस तो बस से तो हम उतर चुके हैं धर्मशाला. अब देखो अभी हमारे पैर जमीन में, दोनों को वॉशरूम जाना, दोनों को. अबे तू ना मेरे को मत घसीटा कर, तो मेरे को वॉशरूम जाना था. तो ये बोल के ही ये तो मानना भाई है ये तो मानना भी संभव है यार. थोड़ी ना तो बस से उतर कर हम क्योंकि मॉल में आए हैं तो अभी हमारे पास 40 मिनट से हमारी बस आने में. तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं और अगर कुछ बिकेगा खाने का तो कुछ खा भी देंगे, कुछ छोटी मोटी घूम भी लेते हैं. तो बाकी दिखाते हैं आपको उसके बाद का, तब तक के लिए देखते हैं.
तो अभी हमें बहुत सारे भूख लगी थी जो हमने KFC से वेज बर्गर ऑर्डर कर लिया और ये हमारे सामने बस दिख रही होगी आपको। तो बस में कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने लाइट्स ऑफ कर रखी थी और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो बस से उतरने के बाद हम कश्मीरी गेट पे उतरे, हमने ऑटो लिया था जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। तो फाइनली हम लोग घर आए गए, आपको पता चल गया होगा टाइगर की आवाज़ से। तो ट्रिप के बाद से हम घर आ चुके हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूं और मैंने इतनी थकान होने के बाद भी आप लोगों के व्लॉग एडिट करा है। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना जिससे कि हमारे वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। थैंक यू।